Assalamualaikum guys. So today is Tuesday morning. So मैं अपने back of the home आया था. I mean से back of the house आया था. तो backyard कह लें, but it's not maintained. तो मैंने यहाँ पर महसूस किया ये एक अदर ड्रैगन फ्लाई है. अगर आप देख सकते हैं ये ब्लॉक पीस के उस तरफ, इसने जो है यहाँ कहीं अंडे दिए हुए हैं. हाँ, here we go. मैंने एग्जैक्टली लोकेशन नोट नहीं की थी, बट ये रहा वो एग. हियर वी गो, ये ड्रैगन बर्ड का है. और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, ख़ास बात ये होती है कि दूसरे परिंदों की तरह ये दरख्तों पर या घरों के हेजेस पे, कोनों पर, मुंडेर पर नेस्टिंग नहीं करते. लाइक कबूतर, दूसरे इतने ही बर्ड्स हैं, चिड़िया, ये ऊपर नेस्टिंग करती है. तो ड्रैगन बर्ड जो है वो ज़मीन में इस तरह का एक सर्कल जो है वो एक डेफिनेट सर्कल देख लेती है और फिर उसके बाद ज़मीन में ही अंडे देके उस पर बैठती है. दिन में वालदा मोहतरमा इनकी, हमें जैसे मदर जो होती है वो बैठती है, और रात में ड्यूटी लगती है इनके वालिद मोहतरम की, जो कि अंडों को बैठ के सेकते हैं. अंडा एक नहीं होता इनका, दो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तीन होते हैं. तो विल गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, जब ये हैच हो गए होपफुली सही हो जाएंगे, क्योंकि सही हैच हो जाएंगे क्योंकि यहाँ बकरियाँ भी खोलता हूँ मैं. तो आई विल टेक केयर के ये ऐसे नुकसान ना दें. तो जब बच्चे इनके हैच आउट हो जाएंगे तो विल गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. सो नॉट एन इशू, आई विल अपडेट यू गाइज सून के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़ टू द नेक्स्ट वीडियो.